कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। नवंबर मिड से आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट्स के लिए अनाउंसमेंट ऑलरेडी बोर्ड ने कर रखा है। उन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन लगातार आप कर रहे होंगे। फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें सिर्फ आपके लिए एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगी। 90 मिनट्स का पेपर होगा और सब तीन सेक्शन होंगे। तीन में से यहाँ रिगार्डिंग मैं फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म 2021-22, ये जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ामिनेशन है इसमें आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम्स होंगी। कितनी होंगी? सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। सबके बराबर बराबर नंबर होंगे लेकिन नंबर सब 35 ही होंगे। ठीक है, ये कुछ है ऐसे। आपको इसका पैटर्न चेक कर लीजिएगा एक बार, इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलने वाला है। अरे कुल मिला के आप ऐसा कहिए कि 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा और इसको OMR शीट पे सॉल्व करना है। OMR फिल करना हम आपको दोस्तों बता देंगे, कैसे फिल की जाती है, कैसे नाम लिखा जाता है, कैसे क्या करना होता है, क्या प्रिपरेशन करनी होती है। लगातार एग्जामिनेशन से पहले हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में हम आपके साथ हैं। बोर्ड की प्रिपरेशन समय समय के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन सीरीज भी कराएंगे। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए उनको भी डिस्कस करेंगे। समय समय पर क्या क्या बोर्ड चेंज करता रहता है उस पर भी अपडेट करते रहेंगे आपको। बस उम्मीद है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे हमारे भी हौसला अफजाई होते रहे और हम आपको समय पर अपडेट उपलब्ध कराते रहें और अच्छी तैयारी के साथ हम और आप मेल करके बोर्ड की जो पहला टर्म है उससे पहले क्लियर करें और फाइनल टर्म में हाईएस्ट स्कोर करें। आइए दोस्तों, हम इतनी बात आपसे भी पहले कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ामिनेशन है वो नवंबर में प्रपोस्ट है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच, इस बीच हमारे चैप्टर्स 12th क्लास के डिसाइडेड हैं पहले से, 11th के भी डिसाइड हैं। जो फर्स्ट टर्म 11 की है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर और हमारा चैप्टर नंबर 8, 9 और 12 नंबर, ये चैप्टर के सीरियल नंबर जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और अगर यही हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में इन चैप्टर्स की संख्या जो होती है चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर आई थिंक 5 एंड चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 15, ओनली 6 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, जिनमें जो मार्क्स हैं मेरे ख्याल से कुछ ऐसे है कि पांचवा चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स का है और पांच नंबर का ये है और बाकी सब पांच नंबर के आप कह सकते हैं। टोटल यहाँ से 35 मार्क्स का वेटेज लेके हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 11th क्लास के लिए टोटल हम मान के चलें यहाँ से हमें 35 मार्क्स मिलेंगे। 35 ये हुए, फिर 15 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल से आएंगे और ये टोटल 50 स्कोर होगा। इन 50 में से हमको 50 भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि ये जो तीन चैप्टर हैं हमारे पास जिन पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जिनको मैं 11 से उठाया हूँ,
एलेवेंथ के फर्स्ट टर्म में देखिए 12, ये बहुत कनेक्टिव इंटरकनेक्शन है यहाँ चैप्टर, यहाँ पर एलेवेंथ का 12th चैप्टर और यहाँ के 11th और 12th चैप्टर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ये आपको आएंगे ही तब जब ये आता होगा। अगर बोर्ड के बच्चे भी हैं तो मैं उनसे अपील ये करूँगा कि ये आपको 15 नंबर यहाँ से गेन करने के लिए अगले साल, अभी जो सेकंड टर्म होगा उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उसको गेन करने के लिए हमें ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं 11th की केमिस्ट्री, तो ये 11th में भी है, ये 12th क्लास में भी है। सो इसलिए हम लोग अभी पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, अभी हमने शुरुआत कर दी एकदम से आपसे इस पेपर के मामले में, हमने अभी चर्चा ज़्यादा नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि आपका भी इंटेंशन पहले मुझे चाहिए, पहले आपका इंटरेस्ट चाहिए, पहले आप, पहले जो कैमरे का फोबिया है वो ख़त्म हो, जो कैमरे पे आने के लिए जो कैमरे का एक डर है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब हम अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन दोस्तों चुटकी में सॉल्व करेंगे हम लोग, हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे, क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन आता है कई बार, किस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होगी, हम लोग प्रयास करेंगे, कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे। सो अभी हम डिस्कस कर देते हैं आपसे कि क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने क्यों शुरू किया है, उसका मेन कारण है ये 11th में भी है, 11th फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों में है और साथ में हमारे पास 11th में भी है, तो ये 12th में भी है, 11th में भी है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, और इसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन 11th की जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जानते होंगे हमें 12th क्लास की नहीं आएगी, तो मेन उद्देश्य हमारा जो मेन टारगेट था वो इसलिए सिलेबस को शुरू करना था। आइए दोस्तों समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए मैं थोड़ी सी बात आपसे, ये सबसे रिगार्ड, ये आप ये मत सोचिएगा जो मैंने डिस्कस किया ये काम का नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त यही था कि हम ये समझ जाएँ अगर हमारी स्ट्रेटजी सही होगी तो हमारा स्कोर बेहतर होगा, अगर हम स्ट्रेटजी में फेल हो जाएंगे तो हमारा स्कोर कैसे बेहतर होगा, इसलिए वेल स्ट्रेटजी करके अभी आगे और वीडियोस में हम आपसे ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम पढ़ाई करें कि हमारा स्कोर हाई हो, हाई नंबर आए, कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो आपको 100% स्कोर दे सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री के अंदर ऐसी ब्रांच है जिसमें बच्चे 100% स्कोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि याद कम करना पड़ता है, इसमें लिखना कम पड़ता है, इसमें ट्रिकी दिमाग काम करता है, जिस बच्चे का अच्छा माइंडसेट होता है, जिस बच्चे का अच्छा वर्किंग स्टाइल होता है उसके मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। तो दोस्त बहुत मन लगा करके इसको पढ़ाई करिएगा, आपको ये लगेगा कि हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं लेकिन साथ में पढ़ते भी हैं। सो एक बात आपका रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं, पिछले टर्म में अभी जो इससे पहले के आपने डिस्क्रिप्शन या इसके पहले के वीडियो में जो आपने डिस्कशन किया है वो ये किया है कि जो कार्बोकेटायन थे वो क्या थे और उनका स्टेबिलिटी क्या था, उस पर दोस्त मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि पहला वीडियो देखने के बाद, ये जो इंटरमीडिएट का पहला वीडियो था उसको देखने के बाद आप अगर इन क्वेश्चंस के जवाब लिख लेते हैं तो आपको ये लगता होगा कि हाँ कुछ तो हमें समझ आया है, हमने जो बात सुनी थी उसका कुछ तो बेनिफिट हुआ है, उससे ना हो अगर तो फिर मैं आपको एक ऑर्डर लिखा दिया हूँ, ये एक ऑर्डर होता है, ये जितने भी स्पीसीज हैं कार्बोकेटायंस की। अच्छा एक चीज़ और मान लीजिए, जो जिस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास वो कार्बोकेटायन है, यदि वहाँ डॉट इलेक्ट्रॉन होता तो वो फ्री रेडिकल होता। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों कार्बोकेटायंस की और फ्री रेडिकल की एक जैसी होती है, जो फ्री रेडिकल टर्शरी फ्री रेडिकल अगर ज़्यादा स्टेबल है तो टर्शरी कार्बोकेटायन भी ज़्यादा स्टेबल है। उस सेंस में आप यहाँ से ऐसे इस ऑर्डर में चलते चले गए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आप ये भी जानते होंगे, कुछ बच्चे शायद प्रॉब्लम में हों, ये जो जैसे किसी ए और बी लिखा होता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ए और बी लिखा होता है, कुछ बच्चे होंगे, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको
वो सारी चीज़ें जो हमारे लेवल से आपको बता देनी चाहिए मैं ज़रूर बताऊँगा। कैसे पता चले ये क्या साइन होता है? इस साइन का मतलब ये होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी तरफ ये ज़्यादा है वही ज़्यादा है, जिसकी तरफ ये कम है वही कम है, या जिसकी लोग समझ हमारे एक सर थे शुरुआत में, हमने 9th में पूछा तो उन्होंने कहा कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला है, जिसकी तरफ ये मुंह बड़ा है वही बड़ा है, जिसकी तरफ पूंछ है वो छोटा है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये जो साइन यूज करते हैं हम लोग, जिसकी तरफ मुंह खुला है वही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिक में विविध सीखा होगा। तो दोस्त इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा और इनके क्वेश्चंस फाइंड करने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब मैं आपसे एक नए इंटरमीडिएट की चर्चा कर लेता हूँ। नए क्या, थोड़ी थोड़ी बात हर इंटरमीडिएट के बारे में कर लेंगे, चौथा इंटरमीडिएट, पांचवा इंटरमीडिएट और आगे जो भी। सो कार्बेनाइन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं आपसे। आप सब जानते होंगे कार्बेनाइन का मतलब सी विथ नेगेटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, सी विथ नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं इसको, कार्ब एनायन भी कहते हैं। एक बात, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन के ऊपर ऋणात्मक साइन हो, कार्बन के ऊपर माइनस का साइन हो, तो इसे कार्बेनायन कहते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। इसमें sp3, ये जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, पहले भी लिखा चुका हूँ नेगेटिवली चार्ज्ड है, और यह भी हेटेरोलिसिस से बनता है, यह भी हेटेरोलिसिस से बनता है, और इसके साथ ही बाकी की वो सभी प्रॉपर्टी इसमें भी लगती हैं। यह स्पीसीज़ भी शॉर्ट लिव्ड है, यह स्पीसीज़ भी रिएक्टिव है, यह स्पीसीज़ भी अनस्टेबल है, यह स्पीसीज़ भी आगे है। इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर से रिवर्स होता है। इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है मित्र, कैसा होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से कौन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी कार्बेनायन होगा। 1 डिग्री कार्बेनायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री कार्बन। क्यों होगा, इस पर जब हम लोग अभी हाइपर कंजुगेशन, हिस्टेरिक इफ़ेक्ट वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम आपसे एक बार फिर डिस्कस करेंगे कि कोई किसी कितनी डिग्री, किसी की डिग्री बदलने पर उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है, किसी भी स्पीसीज़ की डिग्री बदल जाने पर उसका स्पीसीज़ क्यों चेंज होती है। स्टेबिलिटी क्यों चेंज होती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और बाकी आप सब जानते ही हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इस तरह से बढ़ रही है तो ये फिर हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, मीन्स कार्बेनायन के केस में टर्शरी कार्बेनायन ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शरी कार्बेनायन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दोस्त इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि इसमें कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर, जैसे मान लीजिए हमारे पास थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारे पास एक मॉलिक्यूल CHO है। कैसे बॉन्ड टूटती है, क्या होता है, जब भी इस पर कोई बाहरी स्पीसीज अटैक करने आती है, बेस न्यूक्लियोफाइल आता है, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट हो जाती है और ये इसके पास चला आता है H+ के फॉर्म में। तो यहाँ जो स्पीसीज बनती है वो CHH नेगेटिव चार्ज CHO, इस स्पीसीज को ही हम एनायन कहते हैं। रेजोनेंस के माध्यम से हम जब इसको खोलेंगे तो ये CH2
डबल बॉन्ड ओ माइनस एच, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को नॉलेज होता है, इसको इन ऑल एट आयन भी कहते हैं। मोस्ट ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा, मैं बहुत बड़ी चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ अभी आपसे। क्यों? वो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट बेकार हो। आपका इंटरेस्ट पहले छोटी चीज़ पकड़ने में हो और बहुत बड़ी चीज़ पर हम बहुत आराम से पहुँचेंगे। मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करता जाऊँगा जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी बात बढ़ती जाएगी, हम आपको वो सारी चीज़ें रिविज़न के माध्यम से कराते जाएंगे। आइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कार्बेनाइन के बाद, कार्बेनाइन के केस में और कार्बोकोटाइन के केस में, कार्बेनाइन के केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन मित्र यहाँ पर एक बात है, अगर फिनाइल कार्बेनाइन है, अगर हमारे पास फिनाइल कार्बेनाइन है या फिनाइल कार्बोकोटाइन है, तो फिनाइल कार्बेनाइन के केस में जो ऑर्डर होता है वह कुछ चेंज हो जाता है। कि यहाँ पर टर्शरी ही, ये जो टर्शरी ही कार्बेनाइन होगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर एक थोड़ा सा चेंज है। अगर यहाँ 3 डिग्री फिनाइल कार्बोकोटाइन है, कार्बेनाइन है, तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो टर्शरी ट्राईफिनाइल कार्बेनाइन, डाईफिनाइल कार्बेनाइन और फिनाइल कार्बेनाइन। अच्छा मित्र, एक और बात बता देते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि आप ये समझेंगे कि जो कार्बोकेटायंस में होता है वो एनायंस में नहीं होता, लेकिन कार्बोकेटायंस में भी यही ऑर्डर था स्टेबिलिटी का, और कार्बेनायंस में भी फिनाइल के केस में यही ऑर्डर होता है। ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। एक बात और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ये स्टेबिलिटी के केस में कैसे लिख लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ आपके सामने से। जब कार्बन यहाँ का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर इस कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल नेचर का होगा, ये पिरामिड शेप का नहीं होगा। यहाँ पर एक बात और कर सकते हैं कि जो C6H5C जो लिखा हुआ है, जहाँ कहीं भी हम CH लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये गलत ये लिखा C खाली, यहाँ तो लिखा CH, यहाँ पर हम लोग CH2 लिख सकते हैं। सो इतनी बातों को देख करके हमें ये लगने लगा है कि अब हम आपके पास पहुँच चुके हैं और आप हमारी बातों को समझने भी लगे हैं, आप हमारी बातों को समझ भी रहे हैं। तो मित्र, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं थोड़ी सी बात और आपसे करना चाहता हूँ। मैं कार्बीन और नाइट्रीन्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ इसी वीडियो में। सो आपने इतना पहले छोटी छोटी बात आपने नोट कर ली, फिर मैं अगर एक बार बात करूँगा, फिर मैं चाहूँगा कि तीनों एक साथ लिख देंगे, कार्बेनायन और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम नेक्स्ट हेडिंग जब शुरू करेंगे तभी कर लेंगे। आइए मित्र, क्या करना है देखते हैं। करना मुझे ये है कि ये जो कार्बीन है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जो CH2 टाइप का है और लोन पेयर है उसके पास। इसके पास भी देखिएगा, इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब इसके पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब यह भी रिएक्टिव स्पीसीज में काउंट होगा। क्यों? कार्बन रख तो आठ सकता है, लेकिन है इसके पास 6 ही, और यह स्पीसीज न्यूट्रल स्पीसीज होती है, और इसकी जो प्रिपरेशन, इसको हम लोग कार्बीन के नाम से जानते हैं। बाकी वो सही बात है, वेरी रिएक्टिव, अनस्टेबल, शॉर्ट लिव, और ये चार्ज्ड नहीं है। ये स्पीसीज चार्ज्ड न होकर के भी हमारे लिए रिएक्टिव स्पीसीज है, चार्ज ना होकर, मीन्स ये वेरी रिएक्टिव, शॉर्ट लिव, अनस्टेबल, बट इट इज़ नॉट चार्ज्ड, इट इज़ न्यूट्रल स्पीसीज। तो वह न्यूट्रल स्पीसीज
जिसके पास अनस्टेबलिटी है, और वो इस कारण है क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए इसकी जो प्रिपरेशन मित्र होती है वो CH2N2, जब हम इसको कंडीशन दे देते हैं, जब हम इसको लाइट दे देते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में यह CH2 डॉट और N2 में चेंज हो जाता है। तो ये जो स्पीसीज है हमारी, इट इज़ नोन एज कार्बिन। बाकी की चर्चा इसके बाद। दूसरी चीज़ हमारी, नाइट्रेंस क्या होते हैं, ये भी कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं। नाइट्रेंस का मतलब होता है, जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक हमारे पास स्पीसीज है N3H, जिसको हम हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड से भी वही N2 बाहर चला जाता है, इसमें N2 बाहर चला जाता है और हमारे पास NH- बनता है। NH- को हम लोग नाइट्रेंस के नाम से जानते हैं, नाइट्रीन, ठीक है। सो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ भी लाइट की प्रेजेंस होती है, N2 चला जाता है और कार्बीन की तरह ही आप इसको ऐसे माइनस का चार्ज नहीं होगा, लोन पेयर, चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो इधर है तो वो इधर बॉन्डिंग हो जाएगी इधर, ऐसे मित्र। तो ये नाइट्रीन है और ये हमारे पास N2 है। नाइट्रीन को एनालॉग ऑफ कार्बीन ही कहा जाता है, मतलब कार्बीन की तरह ही नाइट्रीन भी एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन की बस कार्बन की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन होता है मित्र, लाइक करते रहिए। सो नाइट्रीन वह न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह भी काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। अब मैं दोस्त आपसे आखिरी बात आज के बारे में, या इन नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो की चर्चा मैं कर लेता हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। एक बार जो हमारे साथ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स पे अगला वीडियो हमारा आएगा। अगर आप मेरे वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं अभी बच्चों से अपील करूँगा कि वो इन हेडिंग्स को एक बार पढ़ के आएँ। निश्चित रूप में आप एक बार अगर पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाला जो भी है, सो इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू। अब मैं आपसे अपील फिर से एक बार करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए एंड हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल हमारा नहीं, आपका है। थैंक यू।